आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को किसी रिलीजियस आउटलुक से नहीं बल्कि इस चैनल पे पहले अपलोड किया गया बाकी के बायोग्राफी वीडियोस की तरह ही एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ देखें। करीब 2500 साल पहले हिमालयन फुटहिल्स में, जो अभी नेपाल के अंदर है, वहाँ पे एक बड़े से राजमहल में सुधोदना नाम से एक राजा अपनी रानी माया देवी के साथ रहते थे। एक महान इंसान बनने की निशानी लेके उन दोनों का एक बेटा पैदा होता है जिनका नाम रखा गया था सिद्धार्थ गौतमा। इस बच्चे के शरीर पे उस निशानी को देखते हुए राज ज्योतिषी ने गणना किया कि ये लड़का बड़ा होके या तो इस पूरी दुनिया पे राज करेगा या फिर वो एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल लीडर बनेगा। इसलिए क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होके इस दुनिया पे राज करे, इसलिए उन्होंने राजकुमार को राजमहल के अंदर ही पूरी दुनिया से अलग रख के उनका देखभाल करने का निर्णय लिया ताकि बाहर लोगों की दुख दर्द देख के राजकुमार स्पिरिचुअल लीडर बनने का रास्ता ना चुन ले। राजकुमार पैदा होने के 7 दिन बाद ही उनकी माँ रानी माया देवी की मौत हो जाती है और इसीलिए फिर राजकुमार रानी माया देवी की बहन महाप्रजापति के पास बड़ा होने लगते हैं। राजकुमार के लिए राजा ने एक खास प्लान बनाया। वो चाहते थे राजकुमार की जिंदगी हर तरफ से बिल्कुल परफेक्ट रहे जिससे कि राजकुमार को कभी भी दुख सहना ना पड़े। इसलिए वो राजकुमार का हर एक ख्वाहिश पूरा करने की इंतजाम करते हैं और राजमहल के चारों तरफ ऊंची दीवार से घेर देते हैं ताकि बाहर की दुनिया के बारे में राजकुमार को कुछ पता ना चले। राजा अपने बेटे को हमेशा तरह तरह के स्वादिष्ट खाना और तोहफे देकर खुश रखने की कोशिश करते थे और ताकि राजकुमार का हर एक ख्वाहिश तुरंत पूरा हो सके, इसलिए उन्होंने राजकुमार के लिए दास दासियों का भी बंदोबस्त किया था। ऐसे प्लान मुताबिक ये बच्चा मानव जीवन के दुख दर्द के बारे में अननोन रह के बड़ा होने लगता है। उनका पूरा बचपन इस तरह गुजर जाता है। फिर 16 साल की उम्र में बहुत ही खूबसूरत राजकन्या यशोधरा के साथ उनका शादी होता है। इसके कुछ दिन बाद उनका राहुल नाम से एक बेटा जन्म लेता है। इस दुनिया की सारी खुशी तब राजकुमार के हाथों की मुट्ठी में था, लेकिन इन सब के बावजूद भी राजकुमार खुश नहीं थे। बहुत जल्दी राजकुमार के लिए हर चीज़ मीनिंगलेस बनने लगा था। उनके पिता चाहे उनको कुछ भी लाके दे दे, लेकिन उससे वो खुश नहीं हो पाते थे। उनको हर चीज़ मीनिंगलेस लगने लगा था। राजमहल की इन ऊंची दीवारों के उस पार की दुनिया कैसी है उसे लेकर राजकुमार के मन में क्यूरियोसिटी पैदा होने लगा और इसलिए एक रात राजकुमार चुपके से राजमहल से बाहर निकल के बाहर की दुनिया अपनी आँखों से देखने का डिसीजन लेते हैं। वो अपना एक दास चाना को साथ लेकर अपना घोड़ा कंटक पे सवार होकर गाँव का नज़ारा देखने निकल जाते हैं। इसके बाद गांव पहुँच के राजकुमार ने जो देखा उसे वो पूरी तरह से चौंक गए। उनकी इस जर्नी में उनके साथ सबसे पहले मुलाकात होती है एक बहुत ही बूढ़े इंसान की जो बहुत ही मुश्किल से एक लकड़ी के सहारे चल रहे थे। राजकुमार ने जब चाना से पूछा कि इस इंसान का ऐसा हालत क्यों हुआ है तो चाना ने बताया कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ने लगता है सभी इंसान की हालत ऐसा ही होता है। इसके बाद राजकुमार के साथ मुलाकात होता है एक बीमार इंसान की जो दर्द की वजह से बुरे तरीके से तड़प रहा था। पहले की तरह ही ये देख के भी राजकुमार हैरान हो गए और चाना ने उनको बताया कि बीमारी और दर्द हर किसी को अपने जीवन में सहना पड़ता है। ये सुनने के बाद राजकुमार का मन और भी ज़्यादा चंचल होने लगा ये सोच के कि कोई चाहे कितना गरीब हो या चाहे कितना अमीर भी क्यों ना हो, कोई भी बीमारी के हाथ से बच नहीं पाता। इसके बाद फिर उन्हें एक डेड बॉडी दिखाई देता है जो कि अपने अंतिम यात्रा पर जा रहा था और पहले की तरह चाना राजकुमार को बताते हैं मौत सबके लिए निश्चित है, इसके हाथ से कोई नहीं बच पाता। ये 3 साइट्स देखने के बाद राजकुमार जब मानव जीवन के दुख और दर्द के बारे में जान पाते हैं तब से राजकुमार का मन और भी ज़्यादा चंचल बनने लगता है। ये 3 नेगेटिव साइट्स देखने के बाद 4th साइट में राजकुमार का मुलाकात होता है एक मॉन्क के साथ जिन्होंने मानव जीवन के दुख और दर्द की वजह को ढूंढ निकालने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। ये साइट राजकुमार के मन में उम्मीद की किरण जगाती है और इसीलिए वो संन्यास लेने का डिसीजन लेते हैं। राजमहल में लौटने के बाद राजकुमार और भी ज़्यादा दुखी महसूस करने लगते हैं। उन्होंने जो जो देखा उन साइट्स को कैसे प्रोसेस करना चाहिए ये समझ ना आने की वजह से वो हर एक चीज़ के बारे में कंप्लेन करने लगते हैं और बिल्कुल एक आम युवा की तरह वो भी इन सब के लिए अपने पिता को दोषी मान के उन्होंने बचपन से उनके लिए जो जो किया है उन चीज़ों के खिलाफ कंप्लेन करने लगते हैं। राजकुमार को ये लगने लगता है इतना सारा धन दौलत और आराम से भरी हुई ज़िंदगी गुजरने की वजह से ही आज उनके लिए हर चीज़ मीनिंगलेस बन गया है। इसलिए 29 साल की उम्र में वो राजमहल छोड़ के चले जाने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन राजकुमार भी कुछ हद तक अपने पिता के जैसे थे, वो भी एक खास प्लान बनाते हैं। वो बस राजमहल छोड़ के चले जाएंगे इतना ही नहीं, उसके साथ साथ वो अपनी रॉयल्टी, अपना फैमिली, पोजीशन
ये सब कुछ छोड़ के सड़क पे धूल मिट्टी में पड़ के अनजान लोगों से खाना भीख मांग के या शायद उपवास रह के जितना तकलीफ सहना पॉसिबल है वो सब वो खुद एक्सपीरियंस करके देखेंगे। अपने प्लान के मुताबिक राजकुमार अगले रात चुपके से राजमहल छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन इस बार वापस आने के लिए नहीं। और जैसे कि उन्होंने प्लान किया था, बड़ी तकलीफ सहकर वो अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। वो बीमारी, भूख, दर्द, अकेलापन, ये सब कुछ खुद एक्सपीरियंस करके देखने लगते हैं। यहाँ तक कि किसी दिन सिर्फ एक सिंगल नट खा के वो अपना दिन गुजारने लगे थे। वो खुद अपनी मौत को अपनी तरफ बुला रहे थे। ऐसे कई साल बीत जाते हैं और फिर और भी कई साल, और फिर कुछ भी नहीं होता है। करीब 6 साल ऐसे ज़िंदगी गुजरने के बाद राजकुमार को ये समझ आता है कि ऐसे वो जो ढूंढ रहे हैं वो उन्हें कभी नहीं मिल पाएगा। ऐसे उन्हें कभी भी सफरिंग से फ्री होने का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि इस रास्ते पे चल के ज़िंदगी के बारे में कोई डीपर अंडरस्टैंडिंग या कोई सीक्रेट कुछ भी उनके हाथ नहीं लग रहा था। जिस वजह से बहुत ही जल्दी राजकुमार इस डिसीजन पे आते हैं कि बिल्कुल उनके पिता की तरह उनका भी ये प्लान बिल्कुल ही बेकार था। इस वजह से इन दोनों एक्सट्रीम पाथ के बीच में कोई एक मिडल का रास्ता ढूंढने की वो डिसीजन लेते हैं, और इसलिए फाइनली वो सुजाता नाम की एक गांव की लड़की के हाथ से दही सेवन करके अपना लंबा उपवास तोड़ देते हैं। इसके बाद फिर टोटली कन्फ्यूज्ड कंडीशन में नहा के अपने आप को पूरे तरीके से साफ करके राजकुमार एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे जाके मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, जो पेड़ अभी इंडिया के बोधगया नामक जगह पर बोधि ट्री के नाम से फेमस है। राजकुमार डिसाइड करते हैं वो तब तक उस पेड़ के नीचे मेडिटेशन में बैठे रहेंगे जब तक ना उन्हें सच के बारे में पता नहीं चलता। और इसके बाद कंटिन्यूसली 49 डेज तक राजकुमार वहाँ पे मेडिटेशन में बैठे हुए थे। इस दौरान उन्हें कुछ बहुत ही प्रोफाउंड रियलाइजेशन होता है, जिसमें से एक ये था कि लाइफ इटसेल्फ इज़ अ फॉर्म ऑफ सफरिंग। जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी धन दौलत के लिए सफ़र करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो अपनी गरीबी की वजह से सफ़र करते हैं, जिन लोगों का परिवार है वो परिवार होने की वजह से सफ़र करते हैं, जिन लोगों का परिवार नहीं है वो परिवार ना होने की वजह से सफ़र करते हैं, जो लोग वर्ल्डली प्लेजर्स के पीछे भागते रहते हैं वो वर्ल्डली प्लेजर्स की वजह से सफ़र करते हैं, जो लोग खुद को सारे वर्ल्डली प्लेजर्स से दूर रखते हैं वो लोग अपने आप को उस दूर रखने की वजह से सफ़र करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक सफरिंग इक्वल है। सर्टेनली कुछ सफरिंग दूसरे सफरिंग से ज़्यादा दर्दनाक है, लेकिन सफ़र हर किसी को करना पड़ता है। उस 49 डेज मेडिटेशन के बाद 35 साल की उम्र में राजकुमार गौतम एनलाइटनमेंट अचीव करने में कामयाब होते हैं और द बुद्धा के नाम से जाने जाते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लेजेंड, शुरू में बुद्धा अपनी स्टेट में ही खुशी खुशी विराज कर रहे थे, लेकिन फिर देवताओं के राजा ब्रह्मा के अनुरोध से वो अपना अंडरस्टैंडिंग दुनिया के लोगों में बांटने का डिसीजन लेते हैं। अगले 45 साल तक बुद्धा अपने डिसिपल्स को बुद्धिज्म रिलीजियन के फॉर्म में सफरिंग से फ्री होने का रास्ता सिखाने में बिताए थे। अब मैं चाहता हूँ कि आप नीचे कमेंट करके गौतम बुद्ध की लाइफ स्टोरी सुनने के बाद आपका अपना इंसाइट हम सबके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सॉल्यूशन, बेटर लाइफ।